गैरसैंण को लेकर कांग्रेस अब बैकफुट पर दिखाई दे रही है। कभी गैरसैंण पर सरकार को घेर रही कांग्रेस अब गैरसैंण से बचने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने गैरसैंण में शीतकाल सत्र के आयोजित करने पर सवाल खड़े किए हैं। इंदिरा हृदयेश ने सरकार से ठंड का हवाले देते हुए इसका आयोजन वहां नहीं करने की बात कही कि घोर सर्दी में इन्हें वहां सदन नहीं आहूत करना चाहिए था। इतनी सुविधा नहीं है, बताएं ये कि जो विधानसभा के कर्मचारी जाएंगे उन्हें क्या सुविधा देंगे, चतुर्श्रेणी कर्मचारी को क्या देंगे, पुलिस प्रशासन जाएगा उसे क्या देंगे, पत्रकार बंधु जाएंगे उन्हें क्या देंगे। तो इतनी इन पर न सुविधा है न व्यवस्था है, और इन्होंने कड़ी सर्दी में जो लोगों को आहूत किया है वो गलत किया है। इन्हें हमेशा ग्रीष्मकालीन ही सत्र रखना चाहिए। वहीं विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी स्थिति साफ कर दे, पहले तो वो खुद ही सत्र के पक्ष में थी और अब सत्र होने जा रहा है तो खुद ही विरोध कर रहा है। लेकिन मुझे इस बात को लेकर बड़ी निराशा हुई कि आज उन्होंने ये कहा है कि गैरसैंण में विधानसभा का सत्र क्यों बुलाया गया। अब यदि हम बुलाते हैं तो उनको तकलीफ है, नहीं बुलाते हैं तो तकलीफ है, तो अब वो ये बताएं कि उनको तकलीफ किस चीज में नहीं है। मेरा ये मानना है कि यदि माना, हमने पहले ही कहा था ग्रीष्मकालीन सत्र की जहां तक बात थी, मैंने बार बार कहा है, मीडिया के माध्यम से भी कहा है, अनेकों बार कहा है, इस बार का जो चारधाम यात्रा है वो अभी तक के सारे रिकॉर्ड उसने तोड़े हैं। 2013 के बाद लगातार जिस प्रकार से चारधाम यात्रा चली है, मेरा ये मानना है कि उस समय वहां पे विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया जाना चाहिए था या नहीं बुलाया जा सकता था। और यदि हम वहां विधानसभा सत्र बुलाते तो बहुत बड़ी जो यात्रा इस बार चली है, माननीय प्रधानमंत्री जी वहां दो दो बार आए हैं, माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय वहां आए हैं, उससे यात्रा प्रभावित होती। फिलहाल विधानसभा सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तकरार जारी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट। शनि काम बनाएंगे या बिगाड़ेंगे, गुरु किसका भाग्य संवारेंगे, कैसा रहेगा राहु का गोचर, मंगल से किसे लगेगी ठोकर, मैं बताऊंगा मेष से लेकर मीन राशि का हाल। भविष्यवाणी लाइव में पंजाब केसरी टीवी पर रोज सुबह 8 बजे।